ये रेस वाला पैडल फुल प्रेस किया, ये देखें इस तरह करती है गाड़ी, जैसे इंजन के अंदर किसी ने कोई चीज़ रख दी है जिससे गाड़ी रेस ही नहीं ले रही। ठीक है जी, रेस बराबर ले रही है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। ये जो गाड़ी है निसान पेट्रोल सफारी है, 2021 मॉडल है। कस्टमर की कंप्लेन है गाड़ी रेस नहीं लेती। वो कह रहा है जी मैंने इसकी हर चीज़ चेंज करवा ली है, गाड़ी का मसला ही नहीं क्लियर हो रहा। वो कह रहा है जी DTC भी नहीं आ रहा, फ्यूल पंप भी चेंज किया, इंजेक्टर भी चेंज किए हैं, प्लग भी चेंज किए हैं, एवरीथिंग हर चीज़ चेंज करवा के चेक किया, लेकिन गाड़ी रेस ये देखें नहीं ले रही। ये रेस वाला पैडल फुल प्रेस किया, ये देखें इस तरह करती है गाड़ी, जैसे इंजन के अंदर किसी ने कोई चीज़ रख दी है जिससे गाड़ी रेस ही नहीं ले रही। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कोई कोड भी आ रहा है कि नहीं। इंजन में जाना है यहाँ से सीधा, तो गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं है, स्टार्टिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है इसकी। सिर्फ गाड़ी बंद करके ये देखें, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, तो इसका पेट्रोल वाला पाइप खुला था इसलिए ये दूसरी दफ़ा सलफ ले रही है। हम इसका प्रेशर भी चेक कर रहे थे कि पेट्रोल पंप का प्रेशर तो नहीं कम। वो कह रहा है जी नया डलवाया। ये देखें जी गाड़ी रेस ही नहीं लेती। अब जाना रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड डिटेक्ट, मतलब कि DTC नहीं आ रहा इसका। लाइव डाटा ओपन कर लेना है। लाइव डाटा ओपन करके वो कह रहा है जी मैंने सिर्फ रेस वाला पैडल नहीं चेंज करवाया और थ्रोटल बॉडी नहीं चेंज करवाई, तो उसकी हम रेटिंग चेक करते हैं। अगर रेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट है तो फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें जी रीडिंग मेरे हिसाब से, जितना मेरे पास नॉलेज है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आएगी तो मैं वीडियो में आपको चेंज करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रीडिंग में। रेस वाला पैडल भी ठीक है, ये देखें एक्सीलेटर सेंसर 1 और 2 दोनों की रीडिंग बिल्कुल ओके है। तो अब गाड़ी के अंदर मसला क्या है मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी जैसे ही मैंने इसका कैटलेटिक कन्वर्टर देखा, खोल के देखा, तो ये देखें अंदर से बिल्कुल चोक है। हवा किस तरह इसमें से खारिज होगी, जब आपका ये चोक होगा, जब आप रेस देंगे तो आपकी गाड़ी रेस ही नहीं लेगी। जब हवा खारिज नहीं होगी तो यही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अक्सर गाड़ियों में जो 8 सिलेंडर गाड़ियाँ, स्टेशन गाड़ियाँ, पेट्रोल हो गई, निसान पेट्रोल सफारी, लेक्सिस, उनके अंदर 99% जो है ना फॉल्ट इसका कैटलेटिक कन्वर्टर का आता है। अगर DTC नहीं आ रहा, गाड़ी रेस नहीं ले रही है, देखें जी हमने ओपन किया हुआ है, ये सेंसर जहाँ पे लगता है सेकेंडरी सेंसर, उसकी बैक साइड पे हमारा जो कन्वर्टर है वहाँ पे लगता है। अगर आगे से कन्वर्टर चोक होता तो लाजम इसका DTC ऑक्सीजन सेंसर का सेट होता। चलिए सिलेंसर खोल दिया, आप इसको करती हैं स्टार्ट। ये स्टार्ट की, ठीक है, आप इसको रेस दे के देखना रेस लेती है कि नहीं। ठीक है जी, रेस बराबर ले रही है बिल्कुल। इसके सिलेंसर में मसला था, सिलेंसर बंद था जिसकी वजह से यह इशू आ रहा था। बंद करता हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए गाड़ी माशाल्लाह क्लियर हो गई है। इसका जो कैटलेटिक फिल्टर है इसको हम चेंज करेंगे। लेने गया हुआ है बंदा, तो सिर्फ फॉल्ट मैंने आपको दिखा दिया कि गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का जो मसला था वो आपके सामने क्लियर हो गया। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह हाफिज़।